हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम अकत्तन सेकंड प्रॉफ के चैप्टर वन का पार्ट 10 लेके आए हैं। ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की, तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है विषपीत के लक्षण, फीचर ऑफ विषपीत। विषपीत क्या होता है? जो व्यक्ति कोई विष पी लेता है तो उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, तो वो होता है आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें क्या बताया उन्होंने, जो व्यक्ति विषाक्तता के कारण यानी विष के प्रभाव के कारण ग्रहधूम के रंग का मल पुरुष आदि मात्रा में अधोवायु के साथ त्याग करता हो, मतलब जो वीट के कलर का मल त्याग करता हो वायु के साथ, जो अधमान पीड़ित हो यानी पेट फूल जाता हो, जिसके कारण उष्ण रक्त अधिक मात्रा में आ रहा हो, उष्ण यानी गर्म खून अधिक मात्रा में निकल रहा हो, जो विवर्ण हो गया हो, विवर्ण मतलब अलग रंग का हो गया हो, और जो अंग गलानी सात से ग्रस्त हो, अंग गलानी से ग्रस्त हो, और झागदार वमन करता हो मतलब झागदार उल्टियां कर रहा हो, वो उसे विषपीत जिसने जहर पिया हो समझना चाहिए। उसे क्या समझना चाहिए? विषपीत समझना चाहिए। विषपीत व्यक्ति के हृदय को आग भी नहीं जलाती, इसको इसके जो हृदय को आग भी जलाती नहीं है, क्योंकि हृदय में स्वाभाविक चेतना का स्थान होता है और विष इसे व्याप्त कर स्थित हो जाता है, मतलब विष चेतना को हटाकर स्वयं स्थित हो जाता है। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है विष मुक्त के लक्षण। अब पता कैसे लगेगा कि किसी व्यक्ति को वो विष मुक्त हो गया या नहीं हो गया? ये भी आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग है। प्रसन्न दोष प्रकृति स्थिर धातु मन भिक्षाकम सम मूत्र जीवम प्रसन्न वर्णे वर्ण इंद्रिय चित्तेष्टम वैगो अवग छेद दिश्वशम मनुष्यम। इसके क्या बताते हैं आचार्य सुश्रुत जी? प्रसन्न दोष अर्थात जिसके व्यक्ति के रसादि धातु तथा मल एवं वात आदि जो स्वभावतः स्थित है, जो मतलब उसके नॉर्मली जो दोष और धातु और मल है वो सब कुछ स्वभाव रूप से स्थित हो, प्रकृति स्थित धातु सारी धातु की प्रकृति सही हो, अनभिक्षा का अर्थात समग्नीकरण जिसकी भोजन में रुचि अभिलाषा हो, जो भोजन भली प्रकार से खा पा रहा हो, जिसका मन करे भोजन खाने का, सममूत्र जीवा अर्थात जिसके मूत्र मल मूत्र जो है वो त्याग स्वाभाविक रूप से हो रहा हो, और जिसकी जीवा रस वेदनी हो मतलब रस को ग्रहण कर पा रही हो, पता लगवा रही हो रस कौन से टाइप का है, और प्रसन्न वर्ण इंद्रिय चित्तेष्टम मतलब जिसके शरीर का वर्ण या जो जिसके शरीर का वर्ण है उसकी इंद्रिया तथा उसका चित्त यानी मन एवं शरीर एवं मानसिक क्रिया स्वस्थ प्रसन्न हो, मतलब उसकी पूरी बॉडी मेंटली और हेल्थली मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से हेल्थी हो, ऐसे व्यक्ति को वैद्य अविष अर्थात विष के प्रभाव से मुक्त समझते हैं। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।